गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कोई और कुछ कहना चाह रहा है? वैभव, तुमने अभी ज्वाइन किया है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। क्वेश्चन सर। ये है कि मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। मुझे पूछा गया, रोमान का कहना है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 मेंबर्स होते हैं या 50? बिकॉज सर, हमने गूगल सर्च करके तो 100 बता रहा है और लॉ में 50 बताए हैं। मैम ने लॉ में 50 बताया, कौन सा सही है? तुम क्या कहते हो? सर 50 है इसका आंसर। सर इसमें हमको भी कंफ्यूजन था, पर मैम ने भी बताया था कि उसको 100 तक कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल लिमिट 50 ही है। अच्छा, ठीक है ठीक है, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इसके अंदर सिस्टम क्या रहता है कि कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है। पार्लियामेंट में मतलब सब लोग मिलके कानून बनाते हैं, सरकार उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। जैसे आप लोगों ने, किसी ने कहा कि कंपनीज एक्ट में तो पास लिखा है, सरकार चाहे तो 100 कर सकती है। कंपनीज एक्ट अगर परमिशन देता है सरकार को बढ़ाने की या घटाने की, तो ही सरकार बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ठीक है, जो बात कानून में कही गई है उसके बियॉन्ड सरकार नहीं जा सकती। अब क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट आपने पढ़ा है, 1932 चला रहा है, बहुत पुराना एक्ट है और इसमें ऐसा नहीं बार बार में चेंज हुआ है, होता रहता है। लेकिन सबसे कंपनीज एक्ट सबसे आखिर में भी लेटेस्ट बना है, 2013 की, पुरानी बात नहीं। तो कंपनीज एक्ट यस 2013, सर, कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया। सुनिए बात को, बात कहना ये चाह रहा हूं कि बात हो रही है पार्टनरशिप की, लेकिन पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, लिखा किसमें है? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ। मतलब यह है कि अगर आपको इंदौर की खबर लेनी है तो आप बंबई वाले से पूछ लो कि इंदौर में कैसा मौसम है, ऐसी बात हो रही है। तो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में तो पहले लिखा था लेकिन कंपनीज एक्ट ने उसको बदल दिया। कंपनीज एक्ट अब ये कहती है कि पार्टनर्स में, पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, जबकि पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप का एक अलग से एक्ट है। पार्टनर आप दिल्ली इंदौर भी फोन लगा के पूछ सकते हो इंदौर में कैसा मौसम है, तो आप बंबई से भी इंदौर की खबर ले रहे हो, तो ऐसी कुछ बात है। तो मैं जो हूँ कंपनीज एक्ट को देख रहा हूँ कि पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा हूँ, ऐसा ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि पार्टनर कंपनीज एक्ट बाद में, अभी लेटेस्ट बना है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2013 की जैसे बात बता रहा हूँ, उसके अंदर कुछ चीजें बताई गई है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट सरकार को ये परमिशन भी देता है कि सरकार चाहे तो उसको कम भी कर सकती है। कंपनीज एक्ट कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कहता 100 50। कुछ लोगों ने कहा पार्टनरशिप एक्ट इतना कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कह रहा। पार्टनरशिप एक्ट में के हिसाब से तो 10 या 20 मेंबर हो सकते थे पहले, 2013 से पहले हम क्या बात करते थे, हम क्या, सात सर थे, सात। नहीं, पार्टनरशिप एक्ट के, पार्टनरशिप में अगर बैंकिंग का बिजनेस है तो 10 तो और 5। दस यस सर, यस सर, दस यस सर, साझे दस। बिजनेस में है तो 20। बस बैंकिंग, और उस समय प्राइवेट कंपनी अगर आप बताते हैं तो 50 हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी। अब क्या कहानी है, यस सर, अब कंपनीज एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप में 100 मेंबर्स हो सकते हैं और प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में, पार्टनरशिप में 200 नहीं, कुछ लोगों ने कहा 200 में, नो, पार्टनरशिप में 100 हो सकते हैं। लेकिन वो कंपनीज एक्ट ये भी कहता है कि सरकार के पास ये पावर है कि वो उसको कम कर सकती है। तो सरकार ने अपने हस्ताक्षर से एक छोटा सा नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना के जरिए ये कह दिया है कि पार्टनरशिप में 50 मेंबर हो सकते हैं। एक्ट कहता है कि 100 या सरकार के कहने पर कम, सरकार ने कहा हमारे कहने पर 50। तो आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछता है कितने मेंबर्स हो सकते हैं तो इसका आंसर 50 ही कहा जाएगा। जैसे वैभव ने कहा आप 50 ही कहेंगे, लेकिन वो भले ही कंपनीज एक्ट कह रही है 100, लेकिन 100 हो थोड़ी सकते हैं, वो तो 50 ही सकते हैं ना, गवर्नमेंट 50 कह रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी, कंपनीज यस सर। एक्ट में 100 लोगों को परमिशन है लेकिन उसमें ये भी बात लिखी गई है कि सरकार चाहे तो कम कर सकती है और सरकार ने 50 किए हुए हैं। तो कंपनीज अभी आज की डेट में पार्टनरशिप में 50 ही हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ये पॉइंट आपका ऐसे होना चाहिए, इसके अलावा आपके कोई आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ यस अब मैं आपको एक आध चीज और बताने जा रहा हूं, इस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
हम रेशियोज के ऊपर कैलकुलेशन हमारा चल रहा है, हम रेशियोज के ऊपर ही मैं आज थोड़ी और बात करने वाला हूँ। फिर रेशियोज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दूंगा, बट अभी मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, और जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो फिर मैं आपको फिर उसमें दिक्कत भी नहीं आएगी, पहले आप कॉन्सेप्ट समझे। अब मान लीजिए क्या होता है, जैसे आपने हिंदी में भी बताया था लास्ट टाइम किसी ने, एक हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है अगर किसी पार्टनर का पहले शेयर कम हो या नहीं हो, दोनों हो सकता है, कम हो तो भी और नहीं है तो भी, उस केस के अंदर और उसको अब शेयर उसका बढ़ जा रहा हो तो हम उसको कहते हैं पार्टनर गेनिंग, गेन कर रहा है, उसको गेनिंग रेशियो से बना हुआ है गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। और इसका उल्टा होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात, और सेक्रीफाइसिंग पार्ट रेशियो से हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे सिंपल सी बात कहता हूं, एक फर्म के अंदर दो पार्टनर्स हैं, मैं जिससे आप लोग हाथ उठाएंगे फिर मैं जिससे मुझे पूछना होगा मैं पूछूंगा, इसका मतलब ये नहीं जिनसे हाथ उठाएंगे उन्हीं से पूछूंगा, मैं किसी से पूछ सकता हूं, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे नहीं आंसर इसका। दो पार्टनर्स है ए और बी, पहले ये 60% और 40% प्रॉफिट ले रहे थे, मतलब लाभ का 60% ए ले रहा था, लाभ का 40% बी ले रहा था। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि दोनों 50-50% लेंगे, तो आपको पहले तो मुझे ये बताना है कि इसके अंदर ये रेशियो चेंज होने से, ये ओल्ड रेशियो पुराना अनुपात है 60-40, और ये नया अनुपात है 50-50, तो ये बदलने से, रेशियो के चेंज होने से कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, या दोनों ही गेनिंग है दोनों ही सर, आप हाथ रेस करेंगे और मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, कोई और जवाब नहीं देगा। मैंने सिर्फ इतना बात कही, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ओल्ड रेशियो 60-40 है, नया रेशियो 50-50 है, कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा, और मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मेरे बहुत सारे हाथ दिख गए। ठीक है, महेश्वर शुक्ला तुम बताओ कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। सर ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। रोमान तुम क्या कहती हो, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सर ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। गायत्री पटवा तुम क्या कहती हो, कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी रैंक गेन कर रहा है। ठीक है, निखिल सावले तुम क्या कहते हो, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है? शिवी गुप्ता तुम क्या कहती हो, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है? सर ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेनिंग कर रहा है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था, ए का शेयर पहले से कम हो रहा है, बी का शेयर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो अगर मैं 60-40 का अनुपात बनाऊं तो ये 3:2 बनता है, 50-50 का बनाऊं तो ये 1:2 बनता है। तो रेशियो बदलने से ए का शेयर 60-40, ए का शेयर जो है 3/5 से, 3:2 का मतलब हो गया 3/5 और 2/5, ए एक एक का हो गया 1/2 और 1/2, तो रेशियो बदलने से ए का सेक्रीफाइस कर रहा, ए का शेयर कम हो रहा है और बी का शेयर बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, कुछ लोगों ने मुझे लिखा भी इसका। ठीक है सर, ए 10% से सेक्रीफाइस कर रहा है। अब मैं इसी बात को आपको रेशियो के हिसाब से बता रहा हूँ, और आपको वो रेशियो के हिसाब से बता रहा हूँ, और आपको फिर वो निकालना पड़ता है गेनिंग या सेक्रीफाइस। इसी चीज को मैं ऐसे कह सकता हूं, थ्री बाय फाइव और 2/5, और न्यू रेशियो आ गया हमारा 1/2 और 1/2, ये नया रेशियो 3/5, 2/5, 1/2, 1/2, ये हमारे आर एस के अंदर। अब आपको इसके अंदर निकालना है, इसका एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला है SON, सन।
सन मतलब एस माने होता है सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओ माइनस ओल्ड रेशियो और एन माइनस माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इसका मतलब अगर हम ओल्ड रेशियो में से नया रेशियो घटाएं और आंसर हमारा प्लस में आ रहा है तो वो पार्टनर हमको आ रहा सेक्रीफाइस कर रहा, और ओल्ड में से न्यू घटाएं और आंसर हमारा माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब वो पार्टनर हमसे गेन कर रहा है। ये बात पहले सबको समझ में आई कि नहीं है? मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, एस ओ एन। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर हमारा आंसर ओल्ड में से न्यू घटा रहा हूं, इसका मतलब ओल्ड ज्यादा था, हमने कम है, तो ओल्ड पहले ज्यादा था अब कम है, तो आंसर मेरा प्लस में आएगा, तो इसका मतलब वो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। ओल्ड में से न्यू घटा रहा हूं, न्यू अगर ज्यादा है तो मेरा आंसर माइनस में आएगा, इसका मतलब वो पार्टनर हमारे से गेन कर रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, फिर हमें ये करना है। सर जैसे कॉपी में नोट करेंगे तो क्या टॉपिक डालें इसको? आप ये आप कॉपी में तो ये पहले ये लिख लीजिए, आप जो मैंने स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ इसको लिख लीजिए पहले, अभी फिर हम करते हैं क्वेश्चन और समझ आएगा। सर टॉपिक क्या डाले जिससे पता रहे कि हाँ ये अभी तो हम सब रेशियो कैलकुलेशन चल रहा है, रेशियो कैलकुलेशन चल रहा है अभी दो दिन से, हम रेशियो कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो कॉपी पर हेडिंग डालना है आपको रेशियो कैलकुलेशन, अनुपात की गणना, अनुपात की गणना हेडिंग डालिए, अनुपात की गणना। अनुपात की गणना ये हो गया, लिख लिया आपने इतना? सर अगर जैसे प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, और माइनस में आएगा तो गेन कर रहा है। ओके सर, गेन करेगा तब भी उसको सेक्रीफाइस करके लिखेंगे, गेन अगर पॉजिटिव आया। क्या कह रहे हो सर? जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आया, गेन आया मतलब, तो भी सेक्रीफाइस से रेशियो करके लिखेंगे। आप एक ही फार्मूला लगाओ ना सेक्रीफाइस का, वैसे गेन का एक और फार्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड, गेन निकालने yes, के लिए ओल्ड घटाएंगे तो आ जाए, लेकिन अपन क्यों बार बार लगाओ, एक ही फार्मूला लगाओ ना अपने को, बस खत्म बात। ठीक है, अच्छा सारे के सारे गेन करें, सारे के सारे सेक्रीफाइस करें, ऐसा नहीं होता। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो कोई दूसरा गेन भी करेगा। ठीक है, और ये मैंने आपको ये एक और सर, बट उस क्वेश्चन में तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वाली नहीं उठता, दोनों कैसे सेक्रीफाइस कर रहे थे? मैंने 60-40 दिया था, अभी आप ही लोगों ने कहा ना कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, दोनों कैसे? यस सर, दोनों सेक्रीफाइस कर नहीं हो सकता। ये मैंने लिख लिया, आपने आगे बढ़ो मैं। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक सिचुएशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो जो था वो 3:2 और जो नया रेशियो है वो 2:3 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं ए और बी, अब क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि आप गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए। तो मैं लिखता हूं ए और बी, ओल्ड में से न्यू घटाना है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 2/5 और 3/5। अब मैं क्या करता हूं,
थ्री बाय फाइव में टू बाय फाइव माइनस करता हूँ तो आंसर वन बाय फाइव आ रहा है। ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है ये बताइए। प्लस प्लस ये गेन है कि सैक्रिफाइस है? सैक्रिफाइस। बी के केस में टू बाय फाइव में से थ्री बाय फाइव घटा रहे माइनस वन बाय फाइव माइनस में आंसर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? गेन। अब ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा स्क्रीन पे जो लिखा है इसको आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है और इसका मैंने ये गेन सैक्रिफाइस निकाला। इतना आप लिख लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। सर ये गेन और सैक्रिफाइस समझ नहीं आ रहा। अभी बता रहा हूँ आप पहले ये जो मैंने बताया ये समझ में आए? ए का शेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है ये बताओ प्रियंका। सर ए का शेयर से कम हो रहा है तो कम हो रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है बस ये बात है। यस सर। बी गेन कर रहा है बी का शेयर बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहा है गेन कर रहा है। यस सर। गेन कर रहा है बी गेन कर रहा है बस ये बात है। यस सर। इसको उतार लीजिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये हो गया। दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं ए बी सी ओल्ड रेशियो 5:3:2 न्यू रेशियो 4:3:3। आप लिखिए ए बी और सी और रेशियो 5:10 3:10 और 2:10। तो इसके नीचे लिखिए न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू रेशियो में आप लिखेंगे 4:10 3:10 3:10। अब आप कीजिए ओल्ड में से न्यू माइनस 5:10 में से 4:10 घटाएं 1:10 आएगा। ऐसे आपको बाकी करना है। जरा करिए जरा एक बार बाकी का कंप्लीट कीजिए इसको। यस सर। ई जीरो आ रहा तो सर उसका तो कुछ नहीं होगा ना? बिल्कुल। बी के केस में 3:10 में से 3:10 गया तो तो ना ये गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। ए ने सैक्रिफाइस किया बी का आ रहा है 2:10 माइनस 3:10 माइनस 1:10 तो बी जो है सी जो है गेन कर गेनिंग। यहाँ पे किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए और ऐसे ही करना है। किसी को कोई चीज पूछनी है इसके अंदर पूछ लीजिए मेरे से। ए सैक्रिफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है बिल्कुल। एनी क्वेश्चंस हियर? अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न पे करने हैं ठीक है। अब आप लिखते जाइएगा मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ क्वेश्चंस ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ। कैलकुलेट
चलिए चार क्वेश्चन मैंने दिए आपको, इन चार क्वेश्चंस को एक बार करिए पहले आप और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। नो सर। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? बहुत सारे सबने भेजा है मेरे को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर किसमें? नो सर। ठीक है, अब मैं इसके आगे जा रहा हूँ, दूसरा दे रहा हूँ, फिर तब तक इन द मीन टाइम मैं वो देखता हूँ आपके क्वेश्चंस को। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके अंदर मैं आपको दे रहा हूं ए एंड बी का ओल्ड रेशियो टू वन, new ratio is 1:1. old ratio a और b का जो old ratio है वो है 2:2:1, new ratio है 5:3:2। PQR का जो ओल्ड रेशियो है, PQR का जो ओल्ड रेशियो है वो है हमारा 2:1:1, न्यू रेशियो है हमारा 5:3:2। ठीक है, डी एक्स वाई एंड जेड जो ओल्ड रेशियो है 1:1:1, जो न्यू रेशियो है वो है 4:3:3। अब इसके अंदर निकालने की कोशिश कीजिए, नाउ ट्राई दिस वन, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए, मैं तब तक आप लोगों का पुराना चेक कर रहा हूँ सबका। तो सेकेंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आप लोग इसको देखिए, ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है मैंने 2:1 और नया रेशियो है 1:1। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ये रेशियो को करूं तो 2:1 को मैं बोलूंगा 2/3 और 1/3, और ये न्यू रेशियो को मैं बोलूंगा 1/2 और 1/2। ठीक है, अब ये असमान अनुपात है, ये असमान है, इनको समान अनुपात में बदलना पड़ेगा, तब जाके मैं एक दूसरे से ऐड कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ। तो मैं अब क्या करूंगा, ए के केस के अंदर बी के केस के अंदर ये ओल्ड रेशियो है 2/3 और 1/3, न्यू रेशियो है 1/2 और 1/2। अगर मैं ओल्ड में से न्यू घटाता हूँ, 2/3 में से 1/2 घटाता हूँ, तो ये 3 है और ये 2 है, इनको समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए मुझे एक्चुअली क्या थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मैं अगले शीट पे आ रहा हूँ। दो बटे तीन और 1/3, एक बटे दो और 1/2। अब क्या हो रहा है, 2/3 में मैं 1/2 घटा रहा हूं, 1/3 में मैं 1/2 घटा रहा हूं। अब ये दोनों मुझे समान करने पड़ेंगे, तो समान करने का तरीका सबसे होता है कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 3 और 2 को, तो ये हो जाएगा 6। तो अब मैंने किया क्या,
छह कैसे आया इसको समझिएगा, सिक्स कैसे आया, सिक्स आने के लिए मैंने क्या किया, तीन को दो से गुणा किया, जब तीन को दो से करूंगा तो छह आ रहा है, तो दो को भी मैं दो से गुणा करूंगा, दोनों को दो से गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा दो बटे तीन हो जाएगा चार बटे छह, में से मुझे माइनस करना, मुझे क्या माइनस करना है, मुझे इसमें से माइनस करना है एक बटा दो। अब एक बटा दो को करने के लिए मुझे इसको भी छह करने की जरूरत है, इसको छह करने के लिए इसको तीन से गुणा करूंगा, तो जब इसको तीन से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा तीन दूनी छह, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी तीन से करूंगा तो ये हो जाएगा तीन बटा छह। तो अल्टीमेटली मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, इनको समान करने के लिए एक को मैं दो से गुणा कर रहा हूं और एक को तीन से कर रहा हूं, तो ये रेशियो मेरा हो जाएगा दो बटे छ माइनस तीन बटा छ, ऐसे हो जाएगा। तो अब मैं दो बटे छ में से तीन बटे छ घटा रहा हूं तो मेरा आंसर है माइनस एक बटे छ आ रहा, माइनस में आ रहा, तो इसका मतलब ए जो है वो गेन कर रहा। अब मैं इसी ढंग से बी के केस में करता हूं, बी के केस में करने के लिए भी मुझे इसको छ करना पड़ेगा, इनको कर रहा हूं तीन दूनी छ, तो इसको दो से कर रहा हूं तो ये भी दो से हो जाएगा, इसको तीन से करूंगा तो ये भी तीन से हो जाएगा, तो मेरा जो रेशियो हो जाएगा वो बेसिक हो जाएगा दो बटे छ माइनस नहीं नहीं मैंने एक रेशियो में गलती कर दी, सॉरी एक गलती कर दी, ये एक बटा यस सर तभी तो वो मिट गया था, तो मैंने उसको जब दोबारा लिखा तो मैंने गलती कर दी, पहले मैंने सही लिखा था वो, हाँ तो ये दो ये चार बटा छह सैक्रिफाइस होगा चार बटा छह, ये मैंने दो बाय तीन सैक्रिफाइस होगा, ये हो जाएगा मेरा एक बटा छ, ये सैक्रिफाइस आया प्लस में आंसर आ रहा है प्लस में, तो वो हमने डिवाइड कर दिए थे, ये मेरा प्लस में आंसर आ रहा है सैक्रिफाइस, ये हो गया छ, दो बटे छ, अब इसको करूंगा तो ये हो जाएगा तीन बटा छ, तो ये हो जाएगा माइनस एक बटा छ, तो ये हो जाएगा गेन। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसे होगा, आप लोग सब इसको ठीक कर लीजिए जिनकी गलती हुई है, ठीक है इसको आप ठीक कर लीजिए, ये मैंने आपको बताने के लिए गुणा लिखा है, इसकी आपको लिखने की हमेशा जरूरत नहीं है, आप समझने के लिए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वो अलग बात, लेकिन ये लिखने की जरूरत हमेशा नहीं, आपको लग रहा है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, एलसीएम ही है ना, सर हमने एलसीएम लेके लिया था, मैंने बस सबको बता दूं मैं, है ना, कुछ लोगों के सही है कईयों के गलत है, तो मुझे वो सब का एक बार आप समझ लीजिए, ए बी सी 221532 ए बी सी 221532 ए बी सी, और रेशियो 2/5, 2/5, 2/5, 5/10। अब मुझे इसमें से माइनस करना है तो मुझे 2/5 में से 5/10 माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे मुझे एलसीएम 10 बनाना ज्यादा अच्छा, तो मैं इसको 10 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी करूंगा, ये तो 10 ही है ऑलरेडी, ये आसान है, तो ये हो जाएगा 4/10 माइनस 5/10, रेशियो बढ़ रहा है तो ये गेन हो गया। तो इसके करने के लिए मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2 से करूंगा, तो हो जाएगा 4/10 माइनस 3/10, 1/10 आ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये सैक्रिफाइस आ रहा है, ये 1/5 में से 2/10 आ रहा है माइनस, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो, 1/5 में से, तो इसको मैं
10 करने के लिए इसको 2 से गुणा करूंगा, इसको भी करूंगा, तो ये हो जाएगा 2/10 माइनस 2/10, ये तो 0/10 आ रहा है, तो इसको नो ना, इसको गेन भी नहीं हो रहा है और इसको सैक्रिफाइस भी नहीं, सैक्रिफाइस भी नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सेकेंड वाला केस होगा। यहाँ पर इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई डाउट हो रहा है किसी के मन में। अब ये सबका सही हो जाना चाहिए ना, ये मैंने जो बता रहा हूँ, कोई डाउट हो तो आप पूछते जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या था, पी क्यू आर 221532, पी क्यू आर 221532, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। सर 2:1:1 है ना रेशियो? यस सर 2:1:1। 2:1 ही तो है ना, तो 2/5, 2/5, 1/5 ही तो। नो सर 2:1:1। तो पुराना रेशियो सर 2:1:1 है सर। सर वो तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जो सेकंड था। 2:1:1 है, 2:1:1 है, तो 2/4 है। यस सर। आपने ये कहना, ये रेशियो जो मैंने दिया था ये 2:1:1 दिया था। यस सर। तो ये 2/4, 1/4 और 1/4 आ गया, तो 5/10, 3/10 और 2/10 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, 2/4 में से 5/10 घटाऊंगा। अब मेरे लिए यहाँ पर मैं इसको 20 भी ले सकता हूँ, 40 भी ले सकता हूँ, आप जो भी कन्वीनियंट हो, आपको 40 कन्वीनियंट हो तो 40 ले लो, तो 20 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 40 ले लेता हूँ, इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, वो सबसे आसान होता है। कभी एलसीएम नहीं निकालना है तो आप इन दोनों को गुणा कर दो आपस में, 4:10, 10, 40। तो ये इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 40 को, 4 को, उसको भी 10 से करूंगा, तो 20/40 हो जाएगा। माइनस 20 कर लो, माइनस इसको 4 से कर रहा हूँ तो उसको भी 4 से कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है 20 है ना, हाँ, इसको 4 से करो तो ये 40 हो जाएगा, 20/40, तो ये भी नील, ना गेन ना सैक्रिफाइस, जीरो। इसके केस में क्या है, 1/4 और 3/10 है, तो यहाँ पे भी मैं अगर 40 कर देता हूँ तो ये 10 आ गया और ये 12 आ गया, तो -2/40 आ गया, तो ये आ गया गेन, ये 1/4 -2/10, तो यहाँ भी 40 आ गया, तो ये 10/40 हो गया, और ये 8/40 हो गया, तो ये हो गया 2/40, तो ये आ गया सैक्रिफाइस, ऐसे हो जाएगा। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब ये 2/40 है तो इसको 1/20 भी किया जा सकता है, जितना छोटा से छोटा करना हो, वो कोई इशू नहीं है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ 111433, ओल्ड रेशियो 1/3, 1/3, 1/3, न्यू रेशियो 4/10, 3/10, 3/10, ये हो जाएगा 1/3 -4/10। अब मैं यहाँ पे भी वही 30 करना ज्यादा आसान है, होने को तो ये 30 ही करना ठीक है, 30, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 30 करने के, इसको 10 से किया तो ये भी 10 हो जाएगा, 10/30, इसको 3 से किया तो ये 3 हो जाएगा 12, तो 12/30 इन दिस, तो ये जाएगा -2/30, ये आ रहा है गेन। यहाँ पे 1/3 -3/10 30, तो ये 10, ये 9, तो ये आ जाएगा 1/30, ये आ रहा है सैक्रिफाइस। वन अपॉन थ्री माइनस 3/10 नील, तो
तो ये हो जाएगा ये भी 30, ठीक है, ये 10 और ये 9, तो ये भी जाएगा 1/30, ये भी सेक्रीफाइस। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि सेक्रीफाइस और ग्रेन बराबर होता है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये सेक्रीफाइस कितना 1/30 वाई का हुआ, 1/30 जेड का हुआ, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2/30 के बराबर आएगा। तो जो टोटल गेन है वो हमेशा टोटल सेक्रीफाइस के बराबर आएगा, हमेशा। आप गेन गेन ऐड करो और सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस ऐड करो, दोनों बराबर आएंगे। सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस ऐड करता हूँ, गेन के बराबर आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में भी ये गेन और ये सेक्रीफाइस दोनों बराबर है, इसके पहले भी ये गेन ये सेक्रीफाइस ये गेन ये दोनों बराबर है, इसके पहले भी ये गेन ये सेक्रीफाइस बराबर, तो ये हमेशा बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये आज आपको ये मुझे समझाना है। अब हम इसके आगे दूसरी चीजें करना चालू करेंगे। और बोलिए, आप कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, किसी को कोई पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से। सर कल हमने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया था, समझा दीजिए। क्या नाम है? प्रतीक्षा ध्रुव। लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत आगे के हिसाब से है, वो मैं उसको समझा दूंगा, बाकी वो सबके लायक नहीं है वो क्वेश्चन, वो पता नहीं जबरदस्ती सब कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो वो मैं अलग से, आपको कोई की डाउट है तो मैं बता दूंगा उस चीज के। क्या नाम? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन में देखा जरूर था, किसी का था, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। अब तुम प्रतीक्षा उतारे तो प्रतीक्षा का देख लेता, मैंने उसका जवाब भी दिया था। ठीक है, वो मैं देख करा देता हूँ अलग से। उसमें कई सारे प्रतीक्षा, इसमें तो मैं देख लेता हूँ। और कोई बताइए क्लास के हिसाब से, कोई डाउट किसी को कुछ आ रहा हो? तो प्रतीक्षा की शिल्पी, शिल्पी का मैसेज है। मैं देखता हूँ क्वेश्चन को क्या है, वो मैं आपको अलग से वो करके रखना पड़ेगा, वो मुझे समझाना रहेगा, ठीक है। ओके सर। एक बार क्वेश्चंस को अननेसेसरी। और बताएं, और किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए, फिर मैं एंड कर रहा हूं क्लास को, ठीक है। ठीक है, मैं एंड करता हूँ। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर।